राष्ट्रपति भारत जी की श्री अमृतसर साहब विखे होने वाली आमद को मुख रखते हुए शहर की सुरक्षा को 5 सैक्टरों में वंड के पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, जो राष्ट्रपति जी श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तो श्री दरबार साहब जलियांवाला बाग श्री दुर्गयाना मंदिर श्री वाल्मीकि तीर्थ विखे जाएंगे, जिसन मद्देनजर रखते हुए पब्लिक को किसी तरह की ट्रैफिक समस्या का सामना न करना पवे, इसलिए पब्लिक की सहूलत लिए अमृतसर शहर का ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया, जो कल यानी कि 9 मार्च को दोपहर 12 बजे तो 1 बजे तक एयरपोर्ट तो हाल गेट तो श्री दरबार साहब तक का रूट बंद रहेगा, तो इस तरह बाद दोपहर 3 बजे तो 4 बजे तक वापसी समय फिर तो यह रूट बंद रहेगा। इसलिए अजनाला साइड तो अमृतसर आने वाली ट्रैफिक को अमृतसर देहाती पुलिस अड्डा राजा सांसी तो जीटी रोड जलंधर वाली साइड तो आने वाली ट्रैफिक को गोल्डन गेट तो वल्ला वेरका बाईपास साइड को जिला तरन तारण तो आने वाली ट्रैफिक को पुल कोट मित सिंह तो तारा वाले पुल को गेट हकीमा चबाल रोड साइड तो आने वाली ट्रैफिक को चौक खजाना क्यों मंडी चौंक नू आन वाली ट्रैफिक सुल्तान विंड चौंक तो आन वाली ट्रैफिक नू उक्त समय दौरान डाइवर्ट किया जाएगा। हैवी व्हीकल्स दी भी इस समय दौरान शहर विच आउन ते मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इसलिए पुलिस ते सिविल प्रशासन दी श्री अमृतसर शहर दी पब्लिक नू अपील की जाती है कि वह इस समय दौरान प्रशासन का सहयोग करन अते एमरजेंसी समय दौरान एमरजेंसी व्हीकल्स जिवें कि एंबूलेंस फायर ब्रिगेड आदि नू हर संभव तरीके नाल रस्ता दिता जाएगा। इस VVIP दे श्री अमृतसर शहर की आमद के संबंध में कल यानी कि 9 मार्च को दसे गए पॉइंट पर पुलिस प्रशासन वालों ट्रैफिक डायवर्जन करवाया जाएगा। कल राष्ट्रपति जी की जो आमद आ उन्होंने आते असी कल मैं दसना चाहना कि सारे शहर वासियों कि 12 बजे तो लैके 1 बजे तक जो असी एयरपोर्ट वाला रूट आ वो एयरपोर्ट तो लैके श्री दरबार साहब तक जो बंद रखेंगे 1 घंटे वास्ते और उस तो बाद फिर दोबारा रूट चली जाऊगा। वापसी के उत्ते असी फिर इन दोबारा जोड़ा आब 3 से 4 फिर इन बंद रखा। उस टाइम के दौरान जिन्या भी कोई जिमें फायर ब्रिगेड एंबूलेंस या होर कोई हॉस्पिटल की गड्डी ज वैसे ही किसी मरीज की कोई बंद ने किसी की कोई प्रॉब्लम हुई तो जड़िया साड़िया पुलिस पार्टियां लगिया उन्होंने सारियां ब्रीफ कर दिता, वो बिल्कुल उन्होंने असी बड़े तरीके असी सारे क्ढा। बाकी जिनी भी आम जी पब्लिक आते असी डाइवर्शन की हुई मैं दसना चाहना कि जो असी एयरपोर्ट तो चलते हाँ तो अड्डा राजा संसी तो ही साड़ी डाइवर्शन हो जूगी, जेडे उधर राजा संसी वाली साइड तो लोग शहर के एंटर हो गए। इस तो बाद अगे मीराकोट चौंक गमटाला चौंक बाईपास इतने साड़िया डाइवर्शन लगिया होनगिया क्योंकि मेन जोड़ा रूट आनू असी बिल्कुल क्लीयर रखना। अगे आ के रणजीत एवेन्यू वाली साइड तो जोड़ा इनू असी शहर वाली मोड़िया इन हरतेज वाली लाइन जी सारी खाली रखांगे शहर के आके बाकी सारा साडा शहर चलता होगा। सिर्फ असी अशोका चौंक तो जो भंडारीपुर वाली साइड आसी उन्होंने चर जो उतों VIP चलते हैं उदों ही बंद करनी आ, बाकी रूटीन साडा चलता रहूगा। ये सारे काम के सानू कोई मतलब अद्धे पौने घंटे का टाइम लग जाना जिदे असी उतों थोड़ा जहा जी जिनी इतने शहर की संगत आ इतने की पब्लिक आ उन्होंने असी डाइवर्शन देनिया और मैं सारे शहर वासियों तो अपील करना कि पूरा पुलिस का सहयोग देन ता जो कि आपां नूं किसी तरह की भी कोई समस्या ना आए। जे किसी ने भी इस टाइम के जाना कोशिश कर अगे पिछे पहला इस रोड तो निकल जाए, लेकिन 12 तो 1 जो टाइम आ कोई करीब 12 तो 12:30 या अद्धे पौने घंटे की गल आ उदों साडा जिहड़ा पूरा सहयोग देन। असी दरबार साहब तो बाद जलियांवाले बाग तो होंदे हुए दुर्गयाना मंदिर दे आली साइड वो जिवें VIP ने लंघना उस तो थोड़ा चिर पहला बंद करनी है और वो जाने तो बाद इमीजिएटली जी खोल देनी है। खोलन तो बाद भी साड़ियाँ पुलिस पार्टियां लगिया रहनगियां ता जो कि सारे लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए कोई जाम ना लगे वो असी साड़ियाँ जिहड़ियां पार्टियां लगियां होंगे सारी जिहड़ियां पब्लिक की हैल्प करनगियां। ये साडा जिहड़ा कल का रूट आ ये सारा ही डाइवर्शन रूट सारा मैं तुहानूं ब्रीफली दस दिता, ये सारे जिहड़े शहर वासी आ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਲਿਆਉਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ VIP ਲੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਬੁਰਜ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ।
बिल्कुल जी, जदों इन्होंने एयरपोर्ट तो चल पैना रूट के उत्ते जिन्हों बंद भी कोल साडे रिकॉर्ड के मुताबिक लाइसेंसी वैपन असी सारे जमा कर लिया, हाँ सारे उत्थों एयरपोर्ट तो ही लैके दरबार साहब तक और खासकर दरबार साहब के आले दुआले जलियाँ बाग के और दरगयाना मंदिर के आले दुआले जिन्ह जिन्हों के वैपन असी सारे जमा कर लिया और ये असी सिर्फ थोड़े चरल ही जमा करने हैं। यही भी असं उन्होंने पहला एडवांस ले लेंगे, सिर्फ VIP मूवमेंट करके ही लेने हैं और वो मूवमेंट तो बाद उस टाइम ही दे देने हैं। वो कोई ज़्यादा टाइम नहीं असं पहला इकट्ठे करके रखने ताकि वो अपनी सिक्योरिटी वास्ते अपने कोल रखन और उन्होंने बंदे बारे भी सानू पता साड़ियाँ पेट्रोलिंग पार्टियाँ साड़ा रूफटॉप भी उत्थे सारा लगा होना है, इस करके उन्होंने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। असं उन्होंने हेल्प वास्ते साड़ियाँ पुलिस पार्टियाँ लगी हुई हैं। मैं ये भी दसना चाहना कि सानू इस संबंधी राष्ट्रपति जी आमद संबंधी साढ़े को आर्मड पुलिस नाल दे सारे रेंज की पुलिस और इस अलावा साढ़े को 10 कंपनियां CRP दी भी आ चुकी हैं। वो सारी पुलिस जी पब्लिक के सहयोग वास्ते ही किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई माड़ा आंसर कोई खराबी ना करे, उस संबंध जिहड़ियां पार्टियां लगनियां। और मैं सारे शहर वासियों तो अपील मंगदा कि पूरा सहयोग देन, जे किसी ने भी कोई शक्की बंदा जां किसी नूं कोई लवारस चीज़ मिलती आ तो इमीजिएटली जिहड़े साडे पुलिस के SHO जां साडियां पुलिस पार्टियां उन्हां दे ध्यान च लाउण ताकि साडियां जिहड़ियां डिस्पोजल टीमां लगियां हुई सारियां उन्हां नूं